तभी ही आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिएगा या एस को स्टार्ट करिएगा से पोटेंशियल स्मॉल कैप वन डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपको इनिशियली ही बता रही है कि सेवेंटी नाइन पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट जो अमाउंट है आपका वो स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसके मुताबिक रिटर्न्स भी आएंगे अगर मैं बात करता हूँ आज अकॉर्डिंग टू एन ए वी फिफ्टी पॉइंट एटीन पैसे का एट प्रेजेंटली एक यूनिट का प्राइस है अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स कि कंपनी हमें प्रीवियस फाइव ईयर या सिंस इंसेप्शन के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रिटर्न प्रोवाइड कर रही है सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन दैट के लेटेस्ट रिटर्न क्या है अगर हम बात करते हैं सिंस इंसेप्शन इट मीनस जब से ये पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट हुई है तब से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका एवरेज रिटर्न क्या बन जाता है और रिटर्न रहेगा 17.63 पॉइंट परसेंट आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वन ईयर इट इज 79.60 परसेंट एंड अगर आप देखते हैं एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फाइव ईयर 16.93 परसेंट का कंसिस्टेंट रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर रही है अगर आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू एस कि हम अपने जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कर रहे हैं हर एक इंटरवल के ऊपर एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसके मुताबिक हमें क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं अब अगर आप देखते हैं प्रीवियस फाइव ईयर्स से The return amount is 25.6 फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वन ईयर इट इज़ एटी फाइव पॉइंट फोर्टी फाइव परसेंट अब इसी के साथ साथ एक investor के माइंड में ये भी आता है कि exactly अगर मैं ICICI potential small cap fund direct plan growth के अंदर एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ तो कंपनी मेरा पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है क्या एक्सपेंसिव रेशू है उसका तो मैं अब आपको सभी को दिखाना चाहूँगा कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हो इन दैट केस सबसे पहले हम देखेंगे सेक्टर्स कि कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पर कंपनी आपका पैसा सर्विस कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल कैश होल्डिंग केमिकल टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर एफ इंजीनियरिंग ऑटोमोबल कंज्यूमर ड्यूरेबल टेक्सटाइल एंड मेटल्स इट मीन्स हर एक इंडस्ट्री के अंदर आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है बट एज एफ नॉ सर्विसेज एटीन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहेंगी एंड देन आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एंड कैश होल्डिंग्स अब अगर हम बात करते हैं कंपनीज़ कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है जहां पर आप देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल उसी के साथ साथ अदर कंपनीज आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर और उसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर के अंदर जहां पर आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है मैं आप सभी को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस भी देखिए कि एग्जैक्टली exactly क्या एट प्रजेंटली उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस है और उसी के साथ साथ उसकी क्या मूवमेंट है इस समय पर मार्केट के अंदर एंड इस समय पर कितना उसमें ग्रोथ है या डी ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू दैट आप सिलेक्ट करिएगा कि इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं अब इसी के साथ साथ एक इन्वेस्टर को ये भी देखना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly वो एक्सपेंस रेशो कितना पे कर रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम में सो जीरो पॉइंट सिक्सटी सिक्स परसेंट इवन एक परसेंट भी आप एज अ एक्सपेंस रेशू नहीं पे कर रहे हैं कंपनी को उसी के साथ साथ कंपनी ने यह भी पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर आप एक साल से पहले अपना टोटल पैसा निकालते हैं तो उसका वन परसेंट आपको एज अ एग्जिट लोड देना पड़ेगा एंड इन दैट केस अगर आप एक साल से पहले निकालेंगे अब अगर हम बात करते हैं स्कीम साइज के मुताबिक तीन हजार एक करोड़ का टोटल स्कीम साइज है ओपन एंडेड स्कीम रहेगी आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी टोटल वैल्यू जो है अपना निकाल सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू मार्केट रिटर्न आपका जो रिस्कोमीटर कहता है वो वेरी हाई है इट मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स के अंदर किया जाएगा उसी के साथ साथ मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि अगर आप एक लाख रुपए की अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं बेर मिनिमम तीन साल के लिए इन दैट केस आपका जो टोटल मेचोरिटी वैल्यू बनेगा वो वन लाख एटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टीन रुपीज का बनेगा अब ये कैसे बन रहा है वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ एज अकॉर्डिंग टू सी ए जी आर कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के मुताबिक प्रीवियस वन ईयर के अंदर जो रिटर्न है वो सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्सटी परसेंट का है एंड एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फाइव ईयर इट इज सिक्सटीन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट

कि अगर हम लेट सपोज़ एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं इफ नाउ इस पर्टिकुलर स्कीम में और मैं कंसीडर करता हूँ टेन्योर टोटल टेन्योर में मैं कंसीडर करता हूँ पाँच साल का जहाँ पर मैं रिटर्न जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ आपका करीबन करीबन सिक्सटीन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट जो वहाँ पर राइटिंग में था एंड उसी के साथ साथ मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ एक लाख के मुताबिक मतलब करीबन करीबन बयासी के हिसाब से इनिशियल बैलेंस मेरा एटी टू हंड्रेड रुपीज़ हो गया मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा एटी टू हंड्रेड रुपीज़ हो गया अगर हम कैलकुलेट करते हैं इन दैट केस एक मिनट मेरा कितना रिटर्न बनेगा सेवन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सेवन रुपीज़ यहाँ पर भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इन दैट केस जो मेरा टोटल रिटर्न बनता है वो एटी फाइव थाउजेंड वन सेवन हंड्रेड रुपीज़ का बनता है अगर मैं एट्टी टू हंड्रेड रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 8200 टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व इजिकल टू नाइन्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू फाइव फोर नाइन्टी टू थाउजेंड इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट विच आई डन फ्रॉम माई साइड अब इसी के साथ साथ उसके मुताबिक मुझे सिक्सटीन पॉइंट जीरो थ्री परसेंट का अगर रिटर्न मिलता है तो सात लाख पैंसठ हजार दो सौ सतासी रुपये का जो अमाउंट है वो मेरा टोटल बन जाता है सात लाख पैंसठ हजार अगर मैं माइनस करता हूँ तो दो लाख तिहत्तर हजार रुपये का जो अमाउंट है वो मुझे एज़ आ प्रॉफिट दे रहा है ये पर्टिकुलर फंड तो आप इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन देखा करिए एंड उसी के साथ साथ रिटर्न्स देखा करिए कंपेयर करा करिए कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर या मेरी स्कीम के अंदर क्या डिफरेंस है क्या उसमें बेहतर है जो मेरी स्कीम में नहीं है या मैं किस तरीके से एनालाइज करूँ अपने रिस्क एपटाइट को देखते हुए कि मेरे लिए कौन सा फ़ंड बेहतर रहेगा एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए तो ये रहेगा आपका आईसीआईसी पोटेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जहां पर मैंने आपको बताया एन रिटर्न लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक उसी के साथ साथ मैंने आपको दिखाया कौन कौन से सेक्टर कौन कौन सी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन दैट केस प्रीवियस वन ईयर फाइव ईयरस इन इंसेप्शन टाइम से आपको क्या रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर रही है अगर कुछ छूट गया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो आने वाले टाइम के अंदर वो भी जो है वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा और आप सभी को हर एक जानकारी जो है छोटे से वीडियो के अंदर ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा अगर वीडियो आप सभी को देखकर कुछ भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड यू पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम अ नाइस डे दोस्तों